इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां केंद्रीय जेल रीवा के बैरक नंबर 4 में बंद रीवा शहर में बहुचर्चित राजनिवास सर्किट हाउस रेप कांड के दुष्कर्मी महंत सीताराम उर्फ समर्थ त्रिपाठी के मददगार संजय त्रिपाठी की जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिनको देर रात रेफर कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय जेल के बैरक नंबर 4 में गुरुवार की सुबह बेहोश होकर संजय त्रिपाठी गिर गए थे, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई थी। कई मामलों के आरोपी की जेल में तबीयत खराब होने से जेल प्रबंधक हरकत में आ गया। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते दिन भर जेल में उपचार चलता रहा, लेकिन देर शाम जिला प्रशासन की परमिशन मिलने के बाद संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। यहां संजय त्रिपाठी को बंदी वार्ड में रखकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उपचार किया जा रहा है। जेल सूत्रों की माने तो बैरक नंबर 4 में रखे गए संजय त्रिपाठी गुरुवार की सुबह बेहोश होकर गिर गए थे, तब उनके मुंह से झाग निकलने लगा, परंतु जेल प्रहरियों ने अधीक्षक सहित चिकित्सकों को सूचना देकर अन्य कैदियों की मदद से जेल अस्पताल लेकर पहुंचे। चर्चा है कि उस समय संजय त्रिपाठी का बीपी और शुगर बढ़ा हुआ था। कुछ लोगों ने दावा किया है कि लकवा जैसी शिकायत है, क्योंकि संजय पहले से ही बड़ी बीमारियों के गिरफ्त में थे। ऐसे में तत्काल जेल प्रशासन ने दाखिल कर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। जेल मुख्यालय से मिले मार्गदर्शन के बाद संजय की तबीयत को देखते हुए SGMH रेफर कर दिया गया है। बता दें कि संजय त्रिपाठी पर 2 दर्जन से ज्यादा पुराने मामले चल रहे हैं, जिसे देखते हुए जेल प्रबंधन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। हाल ही में रीवा राजनिवास रेप कांड दुष्कर्मी महंत के मददगार संजय त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई है, जिनकी जेल में तबीयत बिगड़ी है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।